अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं भाई? इस वक्त मैं अभी आया था, आज बर्मिंघम आया था मैं, और आज माशाल्लाह बर्मिंघम में मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोग बर्मिंघम से जा रहे हैं रेडिज। बहुत ही मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग हैं आज यासीन साहब, और उनकी बहुत ज़्यादा काफ़ी अर्से से बेचारे बीमार हो गए, तो उनके घर हमने ये ले तो आपके लिए फूल लेके आया मैं। मैं तो बुरा हो गया आपको देख देख कर, आपका वो मैं भी बुरा हो गया हूँ। आप खैरियत से? हाजी साहब ठीक ठाक है। किसी ने बताया नहीं जो आप आ रहे हैं। आप लड़का अब्दुल वासे को आप बचपन से देख रहे हैं? मुझे बहुत ही सरप्राइज दिया। अच्छा खुशी हो रही है। मैं ये तो मैं समझ रहा था कि कब उस वक्त आएगा कि वो बर्मिंघम आए मस्जिद सर में, बड़ी जामा मस्जिद में मैं जाके मलकार करूँ, क्योंकि छोटी मस्जिद में जा नहीं सकता हूँ। बहुत खुशी की बात है भाई। बस वो मुझे जब काजी साहब ने कहा, मैंने वैसे काजी साहब को ये कहा था कि जितने भी दोस्त हैं उनको ये नहीं कहना कि मैं घर जाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार बस किसी के घर जाओ ना जाओ, हाजी साहब के घर जरूर जाना है। कि जब तक आप प्रोग्राम होता है 3 दिन, उस वक्त आपको किसी को बोलने में नहीं देता। ये मेरी आदत है शुरू से। अच्छा। और मेरी वाइफ फौत हो गई, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। वो अपनी सैलरी कर दी की वो चीज टीवी देखो। अच्छा, क्या देख रही हो? अल्लाह उनको उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मराती बता फरमाए। और यकीन जाने मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ईद का दिन है मेरे से। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे, बहुत खुशी हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ। जी जी, आइए, आपकी असल में करामत है। जी जी, ये आपकी करामत है जो मुझे वहां से उठा के इधर उधर से आपके पास ले आई है। ये आप जो इस्लाम चैनल में नहीं थे ना? जी जी। और जब क्यू टीवी पर थे उस जमाने से भी देख रहा हूँ। आप बहुत जानते हो उसका। अब तो आप पूरे काबू में हो गया। ये बच्चा तो छोटा सा आता था से। जी जी, वो छोटा वो जानता हूँ मैं, सारी फैमिली जानता हूँ। बस यही जिंदगी है, बस अल्लाह ने आपके घर वाले सब ठीक है।